हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। दिस इज़ योर मोहम्मद फैजान गाजी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFK व्लॉग्स। तो गाइस, आज फ्राइडे 10 दिसंबर 2021 और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मुंबई कोस्टल रोड को। तो गाइस, अभी हम लोग हैं प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर पे और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मतलब पूरा फॉलो करते हुए जाएंगे, यानी मतलब चौपाटी की तरफ। तो यहाँ प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लावर से हमें बहुत अच्छा व्यू मिलता है, तो हम लोग पहले यहाँ पे रुक के एक व्यू लेंगे, अच्छा सा यहाँ से प्रोग्रेस देखना चालू कर देंगे। तो गाइज, यहाँ से करंट प्रोग्रेस देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बनने के बाद जो ये प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लावर को एक्चुअली रिप्लेस किया जाएगा, तो जो बनने के बाद फ्लावर को जिस तरीके का होगा और जो नरीमन पॉइंट की तरफ से लोग आएंगे, जिनको अगर बैंड्रा जाना है वो लेफ्ट साइड पे गाड़ी रखेंगे और जिनको गिरगांव चौपाटी आना है वो राइट साइड पे रखेंगे और राइट साइड की तरफ से जाएंगे, जैसा आपको लोगों ये पिक्चर में दिख रहा है। अब हम लोग करंट प्रोग्रेस तो देखिए, यहाँ पे काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो भाई, जब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं मुंबई कोस्टल रोड के बारे में। मुंबई कोस्टल रोड 22.2 किलोमीटर लॉन्ग फ्रीवे होगा, जो साउथ में मरीन ड्राइव से स्टार्ट होगा एंड नॉर्थ में कांदिवली में ख़त्म होगा। मुंबई कोस्टल रोड बनने के बाद 1,30,000 व्हीकल्स डेली मुंबई कोस्टल रोड को यूज़ कर पाएंगे। नॉर्मली साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबब जाने के लिए 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन लगता है, पर मुंबई कोस्टल रोड बनने के बाद हम सिर्फ 40 मिनट्स में साउथ मुंबई टू वेस्टर्न सबब जा पाएंगे, मतलब हमारा 1 आवर 20 मिनट्स टाइम सेव होगा। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ 12,000 करोड़। मुंबई कोस्टल रोड फेज़ 1 9.98 किलोमीटर का होगा, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से स्टार्ट होगा एंड वर्ली सीलिंग से कनेक्ट हो जाएगा। फेज़ 1 बनने के बाद हम मरीन ड्राइव टू वर्ली 10 मिनट्स में पहुँच जाएंगे एंड फेज़ 1 2023 तक कम्प्लीट हो जाएगा। और मुंबई कोस्टल रोड जो है, इसमें 8 लेन्स होगी, जिसमें 2 लेन्स बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के लिए होगी। तो गाइस, यहाँ पे काम की स्पीड काफ़ी अच्छी है और हम लोग यहाँ के इसी को फॉलो करते हुए पूरा जाएंगे। और बीच बीच में जहाँ पे हमें आगे मतलब बैरिकेड्स वगैरह, तो जहाँ पे बैरिकेड्स नहीं दिखेगा वहाँ से भी हम लोग शूट करेंगे और फिर ये पूरा ये करके हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, किधर अपना देखेंगे, प्रियदर्शनी पार्क और अमरसेंस गार्डन के पास कितना क्या काम चला वो भी देखेंगे। तो गाइस, फ्लाईओवर से उतरने के बाद थोड़ा ही आगे जाके हमें एक कट दिखेगा, तो जिनको अगर बैंड्रा की तरफ जाना है उनको लेफ्ट में ही रहना होगा और जिनको अगर गिरगांव चौपाटी की तरफ जाना है तो वो कट के इधर से वो तरफ जा सकते हैं, वो राइट साइड रहना होगा। देखो, वो तरफ भी काम चल रहा है क्योंकि वो तरफ भी टनल रहेगा, जो अंडरग्राउंड टनल बनने वाला है उसका एग्जिट देखो वहीं के सामने की तरफ, वो तरफ रहेगा और ये तरफ का आगे रहेगा। तो गाइस, जो राइट साइड का टनल का एग्जिट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा और जो हम लोग जो डायरेक्शन जा रहे हैं वो तरफ का एग्जिट कुछ इस तरीके का होगा और जो अंडरग्राउंड टनल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। बहुत ही जबरदस्त। आगे चलते हैं, जो टनल बनेगा वो गिरगांव चौपाटी से प्रियदर्शनी पार्क की तरफ एग्जिट होगा। तो हम लोग अभी डायरेक्ट प्रियदर्शनी पार्क का करंट प्रोग्रेस देख लेते हैं।